बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हमने कोई रेसिपी वगैरह की वीडियो नहीं बनाई, आज हम ईद के हवाले से शॉपिंग करेंगे, किचन की शॉपिंग, जो जो चीज़ें हमें चाहिए। तो ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये सियालकोट में अकबर मार्ट में हम आए हैं, ये बहुत बड़ा स्टोर है, यहाँ से हर चीज़ जो है अवेलेबल है। आप जो चाहे खाने के हवाले से, कोफ्ते, जो भी आप, जो भी चीज़ आपको चाहिए यहाँ से मिलेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं और शॉपिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि आज हमने क्या क्या लिया। ये देखिए, लिप्टन, येलो पत्ती, हर चीज़ है यहाँ पे, आप जो चाहे लेना चाहे ले सकते हैं। तो मुझे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी मैं आपको बताती हूँ। किचन की चीज़ें ली हैं, ज़ाहिर है ईद में, ईद है तो ईद पे ज़्यादा मसालों की ज़रूरत होती है। कोफ्ता मसाला और बिहारी कबाब मसाला, बिरयानी मसाला, टिक्का मसाला, ये सारे मसाले हम लेंगे। और मुझे ज़्यादा नेशनल का ही मसाले पसंद हैं, शान के मुझे इतने पसंद नहीं हैं, क्योंकि उसका इतना एक अच्छा फ्लेवर या टेस्ट नहीं मुझे आता, तो फिर मैं नेशनल का ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये देखिए, एवरीडे दूध है, 1 किलो का भी है, 5 का भी है, जितना का आप चाहे लेना चाहे ले सकते हैं। ऑल पर्स नीड हो, हर चीज़ है यहाँ पे। और उम्मीद है कि आज की आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप जब वीडियो को देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये तो सब फ्री में है, हम भी आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये देखिए, सोप हैं, सॉफ्ट सोप, ये आप जो चाहे यहाँ से ले सकते हैं। ऐसे तो हर चीज़ ही महंगी हो चुकी है, अब घी हो या ऑयल हो जाए या साबुन, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ बहुत महंगी हुई है, क्योंकि महंगाई हो चुकी है। ये देखिए, ये फ्रेश है और हर चीज़ है यहाँ पे। ये देखिए, क्लोन्स भी हैं, बेबी क्लोन्स और हैंड से तो हर चीज़ ही महंगी हो चुकी है, अब घी हो या ऑयल हो जाए या साबुन, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ बहुत महंगी हुई है, क्योंकि महंगाई हो चुकी है। ये देखिए, ये फ्रेश है और हर चीज़ है यहाँ पे। ये देखिए, क्लोन्स भी हैं, बेबी क्लोन्स और हैंड वॉश, बॉडी स्प्रे वगैरह, हर चीज़ है।
उम्मीद है कि आपको मेरी आज की जो वीडियो है, व्लॉग जो मैंने बनाया है, आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी शॉपिंग कैसी लगी। तो तकरीबन ये मेरा 20,000 रुपया लग चुका था। अब उसमें छोटी सी शॉपिंग की थी, ज़रा ज़रूरत की चीज़ें ली थी मैंने, तो सारी चीज़ें नहीं ली, फालतू कुछ नहीं लिया, बस मैंने ज़रूरत की चीज़ें ली थी जो किचन के हवाले से थी, ताकि ईद आ रही है और बच्चे। तो तकरीबन ये मेरा 20,000 रुपया लग चुका था। अब उसमें छोटी सी शॉपिंग की थी, ज़रा ज़रूरत की चीज़ें ली थी मैंने, तो सारी चीज़ें नहीं ली, फालतू कुछ नहीं लिया, बस मैंने ज़रूरत की चीज़ें ली थी जो किचन के हवाले से थी, ताकि ईद आ रही है और बच्चे और ज़ाहिर मेहमान भी आएंगे, तो अच्छे से ईद हमारी गुजर जाए। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, एक मज़े की वीडियो लेके आपके साथ हाज़िर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अबीहा कुकिंग व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। एप्पल भी मिल जाए, फ्राई और गया था।